जो थाला का किला था उसको हिला डाला है सनराइजर्स हैदराबाद ने। चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 6 विकेट से मैच हार गई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने जो टारगेट दिया था 166 रन का, वो हैदराबाद ने बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर लिया और चेन्नई को 6 विकेट से करारी तरीके से हरा दिया है सनराइजर्स हैदराबाद को। बुरी तरीके से भाई, मतलब रन निकाल दिया यार। धोनी भाई क्या कर रहे हैं, इतने नीचे क्यों बैटिंग करने आ रहे हैं? मतलब 166 रनों का मात्र लक्ष्य मिला, एक भी बैट्समैन जो था वो 120 या 130 के स्ट्राइक रेट से ऊपर नहीं जा पाया सिवाय शिवम दुबे के। और भाई हैदराबाद ने जो मस्त तरीके से चेन्नई को हराया, हैदराबाद ने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मरहम लगाकर जो पीटा है इनको 18वें ओवर में 19वें ओवर में ये जीत आई, 18.1 में ये जीत हासिल हुई सनराइजर्स हैदराबाद को। लगा दिया जिस हिसाब से इन्होंने शुरुआत करी, सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस तरीके से धुआंधार बैटिंग करी वो आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर आपके एंड। ट्रेविस हेड 31 रन बनाए इन्होंने 24 बॉलों में, 3 चौके 1 छक्का, लेकिन जबरदस्त पार्टनरशिप इनकी रही पहले विकेट के अभिषेक शर्मा के साथ। 2 ओवर 4 बॉलों में 46 रन की पार्टनरशिप हो गई थी पहले विकेट के लिए ही। अभिषेक शर्मा 37 रन 12 बॉल, ऐसा लग रहा था कि शायद 16 बॉल की जो 50 है जो इन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मारी थी आज शायद उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे अभिषेक शर्मा। लेकिन कमाल की पार्टनरशिप देखिए इनकी, जब आप सिर्फ 166 यानी इतने छोटे स्कोर का अगर आप पीछा कर रहे हो तब 17 बॉलों में 46 रन की पार्टनरशिप आए तो मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता भाई। बिल्कुल यार, मतलब शर्मा जी के लड़के जो होते हैं ना वो बिल्कुल ही बॉल के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्करम थे जिन्होंने आज एक शानदार 50 मारी भाई। बिल्कुल 36 बॉलों में पूरा टाइम लिया, 138 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके। और एडन मार्करम की भी पारी की तारीफ होगी कि जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट हुए एडन मार्करम आए और उसके बाद मक्खन तरीके से 60 रन की पार्टनरशिप कर दी ट्रेविस हेड के साथ। तो जबरदस्त तरीके से यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट से हरा दिया है चेन्नई सुपर किंग्स को। और जिस कमाल की पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा था बिल्कुल आपके सामने भाई, 60 रन की पार्टनरशिप 42 बॉलों पे भाई। तो जो ये ट्रेविस हेड और जो एडन मार्करम है इनको यार ये जो साउथ इंडिया वाली पिचेस इतनी पसंद है ना यहाँ पे जब भी आते हैं यार, ये एक बंदा ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा साउथ अफ्रीका का, इनको धोने में मजा आता है इंडिया के बॉलर्स को। और भाई यही हुआ, मुकेश चौधरी आए, मुकेश चौधरी को हालांकि जो है अभिषेक शर्मा ने भाई बिल्कुल बुरे तरीके से धोया था, पर भाई वहां पर 60 रन की जो एक बढ़िया पार्टनरशिप थी उसमें कुछ हो नहीं पाया। ये आपके सामने जो है सनराइजर्स हैदराबाद का बैटिंग कार्ड है। ट्रेविस हेड आए थे ओपनिंग करने, 31 रन मारे 24 बॉलों में, अभिषेक शर्मा 37 रन मात्र 12 बॉलों में, 300 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, एडन मार्करम की बढ़िया 50 36 बॉलों में, शाहबाज अहमद 19 बॉलों में 18, ज्यादा कमाल नहीं कर पाए, लेकिन हेनरिक क्लासेन 11 में 10 और नीतीश रेड्डी 8 बॉलों में 14 रन। तो भाई ये जो हेनरिक क्लासेन और नीतीश रेड्डी तक आते आते काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई मैच यहाँ से बन सकता है सीएसके के लिए। मुझे लगता है वो सिर्फ धोनी के फैंस ही थे जो कह रहे थे कि मैच बन सकता है, क्योंकि हैदराबाद ने ये मैच मुझे लगता है कि पहले ही 10 ओवर में ही कंप्लीटली फिनिश कर दिया था। और शुरुआत हुई थी जब चेन्नई सुपर किंग्स ने बैटिंग की शुरुआत करी, चेन्नई सुपर किंग्स ने जब बैटिंग की शुरुआत करी थी तो ऐसा नहीं लगा था कि सिर्फ 165 रन पर चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है वो, उनकी जो पारी है वो सिमट जाएगी सिर्फ 165 रन पर। शुरुआत करी चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने, 21 बॉलों में इन्होंने 26 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्का जरूर लगाया, लेकिन आप स्ट्राइक रेट पर सबके ध्यान दीजिएगा, 123 के स्ट्राइक रेट से ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे थे, 133 का स्ट्राइक रेट रहा रचिन रविंद्र का जिन्होंने 9 बॉलों में 12 रन बनाए 2 चौकों के साथ, 25 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। उसके बाद आए अजिंक्य रहाणे, फिर से 116.66 का स्ट्राइक रेट, 20 बॉलों में 35 रन 2 चौके 1 छक्का। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी जिसने बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ काम किया वो थे शिवम दुबे, लेकिन डेरल मिचेल रहे फ्लॉप। और फ्लॉप इसलिए नहीं क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट 118 का रहा और सिर्फ 11 बॉल में 13 रन बना पाए, बल्कि इसलिए क्योंकि डेरल मिचेल से उम्मीद थी कि 15 ओवर के बाद आखिरी 5 ओवर में
चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को और गति देंगे और स्पीड देंगे और बड़े स्कोर की तरफ कम से कम 180 की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 180 यार नहीं पहुंच पाए, चाहे शिवम दुबे ने जितनी मर्जी कोशिश करी हो। 187.5 के स्ट्राइक रेट पे आज शिवम दुबे खेले, 45 रन निकले इनके बल्ले से मात्र 24 गेंदों में, 4 बड़े छक्के युवराज सिंह जैसे छक्के और 2 बढ़िया चौके। बढ़िया तरीके से गैप ढूंढता है यार ये बंदा, और आगे आने वाली टीम इंडिया का एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो मुझे लगता है शिवम दुबे में ढूंढ रही होगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से शिवम दुबे स्पिनर्स की पिटाई कर रहे हैं जी, एक पैड पर बैठकर लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं, ऐसी हिट्स और कोई फिलहाल टीम इंडिया में लगाता हुआ नहीं दिख रहा। रविंद्र जडेजा माने जाते हैं कि वो भी वो हिट्स लगाते थे, लेकिन शिवम दुबे का स्कोर कार्ड देख लीजिए, 24 बॉलों में 45 रन, 2 चौके, 4 छक्के, और सिर्फ यही नहीं, इस आईपीएल के 4 मैच में शिवम दुबे 9 चौके और 10 छक्के लगा चुके हैं। 160.86 के स्ट्राइक रेट से इस पूरे आईपीएल में अभी तक शिवम दुबे ने बैटिंग करी है। मुझे लगता है कि अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स उनकी बॉलिंग का फायदा नहीं उठा पा रही, उनको एक जेन्युइन ऑलराउंडर में जो कन्वर्ट किया जा सकता है, जो टीम इंडिया की जरूरत है उसको चेन्नई सुपर किंग्स शायद अपनी जरूरत नहीं समझ पा रही इंपैक्ट प्लेयर की वजह से। लेकिन चलते हैं बाकी चेन्नई के बैट्समैन ने क्या किया। रविंद्र जडेजा आए थे, 23 बॉलों में इन्होंने भी 31 रन बनाए, 4 चौके लगाए, 134.78 का स्ट्राइक रेट, लेकिन कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं रहा शिवम दुबे के अलावा जो कि 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता और चेन्नई सुपर किंग्स का जो स्कोर है उसको 180 की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता। जवाब मतलब और स्कोर कार्ड आपके सामने है, चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 165 रन पर सिमट गई। महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग जरूर आई, 2 बॉल में वो भी कुछ काम नहीं, कमाल नहीं दिखा पाए, एक मिस हिट रही, एक बॉल उनसे बीट हो गए और सिर्फ 1 रन बनाया। लेकिन शुरुआत से अगर स्कोर कार्ड देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र बहुत बढ़िया शुरुआत नहीं दे पाए प्रशांत। बिल्कुल नहीं दे पाए यार, ऋतुराज गायकवाड़ 12, रचिन रविंद्र 26, अजिंक्य रहाणे 30 बॉल पे 35, शिवम दुबे ने एक अच्छी पारी खेली बस जिसके बदौलत ये थोड़ा मतलब सम्मानजनक स्कोर तो जाके पहुंचा 165। रविंद्र जडेजा भी 31, 23 बॉल पे, 11 बॉलों पे 13, डैरल मिचेल और महेंद्र सिंह धोनी 2 बॉलों पे 1। आज जो बॉल थी वो कनेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन जब 19.2 ओवर में जब महेंद्र सिंह धोनी आए थे तो भाई जो जनता थी वो पागल हो गई थी। और भाई आपको पता है ये जो स्कोर है ये 165 क्यों बना, क्यों बना? आज मैं एक मैच की क्लास लेके आया। ओ वाह, स्कोर था 165/5 जी, तो 1+6+5=12। हाँ जी, 12 और 5 विकेट जिसको माइनस कर दे मतलब 7। अबे यार, =7 और 7 तो धोनी का नंबर। ये सब प्लान था, ये सब प्लान था, तो धोनी ऊपर क्यों नहीं आए, क्योंकि ये बात पूछी जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स का जो आज स्कोर 165 रह गया, क्या वहां पर एक टेक्टिकल एरर है? क्या आपको भी लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स जब बैटिंग कर रही हो तो थोड़ा ऊपर आना चाहिए, क्योंकि मतलब अपनी टीम के, अच्छा टीम के ऊपर चले जाएं तो वो थोड़े से पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर चले जाएंगे। आप अलग अलग तरीके से मत सोचिए इस बात को। लेकिन यहां पर मैं अगर आपको बताऊं, 4th विकेट अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरा था 15वें ओवर में, 14.6 पर अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरा था। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर था उस समय 127 रन। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये है कि आखिरी के 5 ओवर में जहां पर बाकी टीम्स लगभग 60-60 रन बना रही हैं, आखिरी के 5 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है वो थोड़ी सी फिजल आउट हो गई, क्योंकि सिर्फ 38 रन बना पाई आखिरी 5 ओवर में। और उसका एक बड़ा रीजन था कि डैरिल मिचेल का बल्ला नहीं चला, कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा के बल्ले से वो लंबे छक्के नहीं निकले, और उसका सबसे और दूसरा खामियाजा ये रहा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आज मोइन अली को खिलाया था, वो डगआउट में बैठे रह गए। महेंद्र सिंह धोनी के पास सिर्फ आखिर की 2 बॉलें आईं, तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स से शायद वो एरर हो रही है। क्या चेन्नई सुपर किंग्स को धोनी को ऊपर लेकर आना चाहिए? जीन